वेब डेवलपमेंट सीख तो सब लोग लेते हैं, बट ये सीख के जॉब कैसे लें वेब डेवलपमेंट में, ये सबको नहीं पता होता। एंड कुछ टाइम पहले ही मैंने वीडियोस बनाई हैं, रोड मैप्स दिए हैं कि आप कैसे वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब सीख के आप जॉब या इंटर्नशिप कैसे ले सकते हो। इसके लिए आई हैव इनवाइटेड अ वेरी स्पेशल गेस्ट जिन्होंने पिछले 2 साल में 20 से भी ज्यादा जॉब ऑफर्स लिए हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी से हो, चाहे यूएस के स्टार्टअप से हो, चाहे रिमोट जॉब्स हो। तो आइए उनसे बात करते हैं कि एक्चुअली हम कैसे अप्लाई करें, कैसे जॉब लें, क्या क्या स्पेसिफिक स्किल्स हमें सीखने हैं, क्या हमें रिज्यूमे में लिखना है, क्या प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, डीएसए कितना सीखना है, कहां से अप्लाई करना है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम विशाल टू द कोड स्कूल, एंड काफी लोग ऑलरेडी आपको जानते हैं यूट्यूब के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, बट स्टिल एक आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो ऑडियंस को अपना। या श्योर। So, hello everyone, I am Vishal Rajput and currently I am pursuing my graduation from NSIT, New Delhi, and I am in final year. So, like talking about my internship experience, so in past 2 years, I have worked for 7 startups as a front-end developer intern. So, last 2 saalon ke andar, maine React, Next.js, TypeScript, wo front-end pe kaam kar rakha hai, and iske alawa like maine freelancing bhi thodi bahut kar rakhi hai. Apart from like freelancing, internship, projects, मैं स्टूडेंट को भी मेंटर करता हूँ थ्रू टीचिंग देम लाइव और थ्रू माय यूट्यूब वीडियोस अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड डीएसए। सो या दिस इज ऑल अबाउट मी। या सो विशाल, क्लियरली आप काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में। तो एज अ बिगिनर, अगर कोई अभी स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, और वो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहता है, तो आप क्या एडवाइस देंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट करे, क्या क्या स्किल्स पे उसे फोकस करना होगा? तो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना HTML से। देन हम HTML को, आई सजेस्ट एटलीस्ट आपको सब चीज ऐसे नहीं कि HTML की 1 घंटे की वीडियो देख लिया एंड यू लर्न, नो, आपको हर चीज बाय बिल्डिंग प्रोजेक्ट आपको सीखना चाहिए। अगर आप HTML को दे रहे हो तो एटलीस्ट 3 से 4 दिन तो कम से कम दें, उसकी हर एक टेक्स्ट को यूज करें। लाइक इफ आई टॉक अबाउट, अगर आप लिस्ट सीख रहे हो कि लिस्ट कैसे HTML में सीखते हैं, तो उसके ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लो। लेट से आपने रेस्टोरेंट का मेन्यू बना दिया, आप टेबल सीख रहे हो तो उस पर एक प्रोजेक्ट बना दो। आपने फॉर्म के बारे में सीखा तो एक स्कूल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना दिया। तो आपको हर एक टैग के बारे में सीखना चाहिए, एंड देन उसके बाद आप CSS पे आओ, वहां पर भी आपको जो भी आप वैल्यूज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में सीख रहे हो, हर चीज को यूज करो अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि जितनी भी चीज आप करके सीखोगे वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी और अच्छे से समझ आएंगी। HTML कितने सीखने के बाद आप JavaScript पे जा सकते हो। JavaScript पे अगर आप जाते हो तो आई वुड सजेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप JavaScript के बेसिक जो प्रोग्रामिंग फीचर्स होते हैं उसके बारे में देखो कि लूप्स कैसे सीखते हैं, हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं, ठीक है, ये सब चीज अगर आप सीखते हो, उसके बाद आप DOM के बारे में सीखो कि JavaScript में DOM कैसे काम करता है, हम DOM पे कैसे इवेंट लगा सकते हैं, इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, एंड देन हमारे जो एडवांस फीचर्स होते हैं उनके बारे में सीखो। सो सबसे पहले HTML सीखते एंड जावास्क्रिप्ट आपको सीखनी होगी अच्छे से। या आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, वीडियोस देखने से कोई फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं सीख सकता, तो हमें प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, कि चाहे छोटे प्रोजेक्ट्स भी हों लेकिन कुछ तो हमें इम्प्लीमेंट करके देखना होता है। तो कुछ आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बता सकते हो एग्जांपल्स कि किस टाइप के प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स बना सकते हैं स्टार्टिंग में, और मे बी थोड़े एडवांस प्रोजेक्ट्स भी, जिससे उनके एकदम फंडे जो भी हैं, कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आल्सो वांट टू गेट सम अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज लाइक विशाल इन वेब डेवलपमेंट, देन आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू सिंपली लर्न्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट। ये एक 9 months का ऑनलाइन बूट कैंप कोर्स है इन कोलैबोरेशन विद कैलटेक CTME, जहां पे आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, विच इंक्लूड्स बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ऊब्स, डेवऑप्स, एंड आपको DSA भी सिखाया जाएगा using Java. आपको HTML, CSS, Java, Hibernate, JPA, Spring, DevOps, JavaScript, servlets के अलावा और भी बहुत सारी technologies सीखने को मिलेंगी. And the best thing is कि आपको project based learning मिलेगी, where you will get to make some amazing projects like food delivery app, healthcare application, fintech apps and many more. इस course में apply करने के लिए you should have a bachelor's degree with an average marks of 50% or
मोर। आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज भी होनी चाहिए एंड 2+ years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज ऑल्सो प्रेफर्ड। आपको सब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स सिखाए जाएंगे। आप देख ही सकते हो कि ये सब टूल्स जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं एक अच्छी कंपनी के टेक स्टैक का पार्ट होते हैं। एंड ये कोर्स कम्प्लीट करके आपको कैलटेक CTME यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यू विल ऑल्सो गेट टू एनरोल इन सिंपली लर्न जॉब असिस्ट वेयर यू विल गेट नोटिस बाय टॉप हायरिंग कंपनी। इसमें आपको कैलटेक CTME के इंस्ट्रक्टर से मास्टर क्लास मिलेगी एंड आपको उनसे लाइव इंटरेक्शन करने का भी चांस मिलेगा। एंड यू विल रिसीव अप टू 25 CEUs फ्रॉम कैलटेक CTME। सो जल्दी से अप्लाई कर दो इस प्रोग्राम के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो जनरली अगर मैं बताता हूँ कि अगर आप पहले फर्स्ट टू मंथ में आप बेसिक प्रोजेक्ट ही बनाओ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ और स्पेसिफिक टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट बनाओ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लिस्ट के लिए आप कोई रेस्टोरेंट मेन्यू बना सकते हो। जब आपने वो मेन्यू बनाया, लेट्स से आपने एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना दी, देन आपने उसके अंदर आप CSS की हेल्प से आप उसको उसके अंदर कलर्स ऐड करो, आप उसको स्टाइल ऐड करो, देन आपने जैसी CSS के थोड़े से एडवांस टॉपिक आप पढ़ते हो जैसे कि मीडिया क्वेरीज, तो आप उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने का देखो। वंस आपने रिस्पॉन्सिव भी बना दी, आपने वेबसाइट भी बना दी, नाउ यू वंस यू स्टार्ट लर्निंग जावास्क्रिप्ट, आप उसके अंदर इवेंट्स ऐड करो, आप उसके अंदर क्लिक इवेंट ऐड कर सकते हो। सो कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब क्लोन अगर आप बना सकते हो, ठीक है, एक वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप बना दो, या फिर चैट हमारे जो चैट एप्लीकेशन होते हैं वो बना सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, या फिर जैसे हमारी सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं लिंक्डइन ट्विटर, आप उसके क्लोन बना सकते हो। बिकॉज जो आप क्लोन बनाओगे इसके दो वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इतने भी क्लोन है उसके ट्यूटोरियल्स मिल सकते हैं जहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। सेकेंड, जब ये क्लोन बनाते हो रियल लाइफ एप्लीकेशन होते हैं, तो इसको मतलब आप यूज भी कर सकते हो और लोगों को दिखा भी सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाओ। एंड इसके बाद जब आप ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपके खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट में काउंट नहीं होंगे, ये प्रोजेक्ट आपके लर्निंग प्रोजेक्ट में काउंट होंगे। वंस आप क्लोन प्रोजेक्ट बना दो, आप इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाओ, तो आप खुद के अपने कुछ यूनिक प्रोजेक्ट बनाओ जिसकी आप GFG या फिर और किसी वेबसाइट से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि क्या प्रोजेक्ट्स आइडिया होंगे, एंड उन पे यूनिक प्रोजेक्ट एटलीस्ट 30 days, मतलब एक 30 days से 60 days सिंगल एक प्रोजेक्ट पे दो और वो आपका पर्सनल प्रोजेक्ट हो। करेक्ट। एंड विशाल, ये सब सीखने के बाद, प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है जॉब लेना, राइट? एंड आप तो जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हो, वैसे जॉब लेने में भी एक्सपर्ट हो गए, आपके पास काफी जॉब ऑफर्स आए हैं। सो जो लोग अभी अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या एडवाइस रहेगा कि कैसे वो कंपनीज को रीच आउट करें, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे जाके वो अप्लाई कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, उसके बारे में आप अपनी ऑडियंस को बताएंगे? तो बेसिकली अगर मैं आपको बात करूं, देर इज टू डिफरेंट रोल। अब मैं फ्रंट एंड डेवलपर पे ही काम करता हूँ, तो मैं फ्रंट एंड डेवलपर रोल के लिए ही अप्लाई करता हूँ। एंड अप्लाई करते समय भी आपको दो चीज़ में ध्यान देना है, लाइक आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो। अगर आप MNC में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे अप्लाई करने का वे डिफरेंट होता है, स्टार्टअप में डिफरेंट होता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर करना है कि आपको मतलब किस साइड जाना है, आपको MNC में अप्लाई करना है या फिर स्टार्टअप्स में। सो स्टार्टअप्स जो होते हैं वो आपका ज़्यादातर डेवलपमेंट देखते हैं, वो DSA बिल्कुल नहीं देखते, और जो हमारे MNCs होती हैं वो DSA ज़्यादा देखते हैं। तो अगर आपकी DSA बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपकी डेवलपमेंट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस टाइम पे आपको MNC में अप्लाई करना चाहिए और वहाँ से सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल लेना चाहिए। बट अगर आपकी डेवलपमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो आपको स्टार्टअप्स में अप्लाई करना चाहिए, और स्टार्टअप्स को अप्लाई करने के लिए देर आर सम वेबसाइट, जैसे कि एंजललिस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। एंजललिस्ट पे कैसे अप्लाई करना है एंड लिंक्डइन पे कैसे रिक्रूटर्स को, फाउंडर्स को, कोफाउंडर को DM करना है रेफरल के लिए एंड इंटरव्यूज के लिए, उसके लिए मैंने एक अपने चैनल पे वीडियो बनाई है जो आप गो थ्रू कर सकते हो। सो एंजललिस्ट के अलावा देर आर सेवरल अदर वेबसाइट, बट एंजललिस्ट इज द बेस्ट वेबसाइट अगर आप स्टार्टअप्स में अप्लाई करना चाहते हो। करेक्ट। एंड विशाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो जैसे हम नॉर्मल एक SD रोल के लिए इंटरव्यू जब करते हैं तो जनरली हमसे DSA पूछा जाता है, राइट? चाहे काम वहां पे जाके हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट करते हैं, बट DSA पूछा जाता है। लेकिन अगर हम इस टाइप के स्टार्टअप्स में अप्लाई कर रहे हैं जैसे आपने बताया एंजललिस्ट पे, तो वो इंटरव्यू किस टाइप का होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, DSA कितना पूछा जाता है, और कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं क्वेश्चंस की? सो बेसिकली अगर आप एंजललिस्ट पे आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले वो देयर कैन बी डिफरेंट सिनेरियो। कुछ कंपनीज जो होती हैं वो आपको होमटेक असाइनमेंट देंगे, होमटेक असाइनमेंट जनरली 1 आवर में सोल्व हो जाता है, अदरवाइज इट विल टेक 1 day to 7 days।
इससे ज्यादा दिनों के नहीं होते, या तो वो आपको 1 घंटे वाला असाइनमेंट देगी, अदरवाइज दे विल प्रोवाइड यू असाइनमेंट विच यू हैव टू सॉल्व इट आदर इन 1 डे, 1 डेज टू बिटवीन 7 डेज. डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स देते हैं आपको असाइनमेंट करने के लिए. असाइनमेंट के बाद वंस यू सबमिट योर असाइनमेंट, असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं. इंटरव्यू के अंदर कोई भी DSA नहीं पूछी जाती फ्रंट एंड डेवलपर रोल के लिए. आपको HTML से रिलेटेड, CSS, JavaScript से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आपको कोर JavaScript से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अगर आप React और Angular फ्रेमवर्क के नॉलेज आप रखते हो तो आपको उनके भी प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी कि गैस दी आउटपुट टाइप्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर वो आपको 30 मिनट के इंटरव्यू में आपको कुछ प्रोडक्ट बनाने को बोल सकते हैं कि आप इस फीचर को इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, ठीक है. या फिर आपको वो कुछ और फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने को बोल सकते हैं, जैसे कि आप यूज स्टेट का यूज करके बताओ, यूज इफेक्ट को कैसे यूज करते हैं वो बताओ. सो दिस आर द सेवरल टाइप्स, या तो आपकी गैस आउटपुट हो गए, कोर जावास्क्रिप्ट या कोर रिएक्ट के हो गए, या फिर आपको कोई फीचर्स बनाने को हो गए. सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू दैट यू विल सी इन योर फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंटरव्यूज. करेक्ट. एंड विशाल, बहुत सारे लोग हम मुझसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट्स में, आई एम श्योर आपसे भी पूछते होंगे कि क्या फ्रंट एंड इंटरव्यूज में DSA पूछा जाता है. सो आपने आई थिंक वो क्लियर कर ही दिया कि DSA नहीं पूछा जाता, बट आई थिंक मे बी अगर हम MNCs के लिए अप्लाई करें वहां पे पूछा जाता होगा, तो ये आप क्लियर कर सकते हैं कि कितना DSA पढ़ने की जरूरत है और कितना नहीं है, किस कंपनी के लिए है किस कंपनी के लिए नहीं है. हाँ, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको अपने देखना है कि आपको कितना इंटरेस्ट DSA के क्वेश्चन सॉल्व करने में आता है एंड कितना इंटरेस्ट आपको डेवलपमेंट में आता है. देर आर सम पीपल जिन्हें DSA के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है. अगर उन्हें उस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट आ रहा है, सो आई वुड सजेस्ट आपको DSA कंटिन्यू रखना चाहिए एंड आपको MNC में अप्लाई करना चाहिए फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल. बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, आई डोंट लाइक DSA, मेरे को DSA इतना समझ नहीं आता, या फिर मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, तो आप डेवलपमेंट करके सिर्फ स्टार्टअप्स को भी कर सकते हो अप्लाई, क्योंकि दोनों के अंदर आपको पैकेज बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है. एंड जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज को आप अच्छे से कर सकते हो, आपको उसी चीज को फॉलो भी करना चाहिए. आई वुड नॉट सजेस्ट कि अगर आपको वो नहीं आता तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो उसे सीखो. सेकेंड थिंग, अगर बात करें कि कितना सीखना चाहिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, सो आई वुड सजेस्ट यू शुड हैव एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ DSA कि आपके ट्रीज, लिंक लिस्ट, ग्राफ कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, इसकी बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, चाहे आप फ्रंट एंड डेवलपर रोल के लिए भी अप्लाई करें. करेक्ट. सो विशाल, काफी लोग ये मानते हैं कि शायद फ्रंट एंड डेवलपर की जो सैलरीज होती हैं वो कम होती हैं नॉर्मल एक बैक एंड डेवलपर से और एक नॉर्मल SD से, तो क्या इसके बारे में आप क्लैरिटी देना चाहेंगे कि क्या ये सच है या झूठ है? सो अगर मैं स्टैटिक्स वाइज जाऊं, तो अगर आप जितनी भी जॉब एप्लीकेशन देखोगे फ्रंट एंड डेवलपर की, जनरली आपको स्टार्टअप में 15 to 20 LPA और आई वुड से 12 to 20 LPA आपको फ्रंट एंड डेवलपर की मिल जाती है. एंड यही हमारी एवरेज होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर की MNCs में भी. अगर मैं CTCs की जगह बेस LBAs की बात करूँ, मेजरली वो हमारी 12 to 20 LPA ही होती है. एंड अगर मैं रिमोट जॉब की बात करूँ बेसिकली, तो आपको रिमोट जॉब में मिनिमम $50K से स्टार्ट करके आपको $80K और $100K के बीच में मिल जाती है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, विच इज ह्यूज. गूगल इंडिया भी आपको इतना नहीं देता होगा जितना फ्रंट एंड डेवलपर रिमोट आपको प्रोवाइड कर सकता है. करेक्ट. एंड ऑन दैट नोट विशाल, आपने रिमोट जॉब्स की बात की, कैसे हम यहाँ पे बैठ के US की कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो आपने भी आई एम श्योर काफ़ी ऐसी जॉब्स ली हैं, काफ़ी अप्लाई भी किया है और ऑफर्स भी आए हैं. सो इसके बारे में आप थोड़ा ऑडियंस को एजुकेट करना चाहोगे कि कैसे इस टाइप की जॉब्स ले सकते हैं और इसमें सैलरीज क्या रहती हैं, कि हमें इंडियन करेंसी में मिलता है या US की करेंसी में मिलता है, तो इस पर प्लीज़ आप थोड़ा लाइट डालेंगे. तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ फॉरेन कंपनीज में आपको कैसे काम कर सकते हो एज अ रिमोट डेवलपर, सो उसके लिए एज आई मेंशन अर्लियर, आप एंजल लिस्ट पे जाओ, आप देखो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इंडिया की रिमोट डेवलपर को हायर कर रही हैं एंड दे आर पेइंग इन डॉलर्स. सो हमारे एंजल लिस्ट की जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक फिल्टर होता है करेंसी वाला, तो उस करेंसी फिल्टर को हम रुपीज की जगह डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो स्विच करते हैं, तो हमें वो सारी पोस्टिंग दिखाते हैं जो डॉलर्स में पे कर रहे हैं, तो उससे हम एंजलिशियम फाउंडर्स और कंपनीज फाइंड कर सकते हैं. इसके अलावा एक और हमारी वेबसाइट है YC कॉम्बिनेटर. सो जो Y कॉम्बिनेटर है वो स्टार्टअप्स को फंड करती है,
बेसिकली वो फंड कंपनीज को फंड भी करती है एंड वहां पे जॉब एप्लीकेशन भी होते हैं, तो आप वहां पे सारे स्टार्टअप देख सकते हो जो ऑलरेडी फंडेड है वाईसी के द्वारा एंड वो हायर भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर वो हायर ना भी कर रहे हो, अगर उन्होंने कोई हायरिंग पोस्ट नहीं भी डाल रखी, तो आप उन फाउंडरों को, को फाउंडर को, उनकी टीम मेंबर्स को डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो थ्रू लिंक्डइन या फिर आप वाईसी कॉम्बिनेटर वेबसाइट के थ्रू ही उनको रीच आउट कर सकते हो कि दिस आर माई प्रोजेक्ट, ये मेरे एक्सपीरियंस हैं और इसके बेस पे क्या मुझे लाइक फ्रंट एंड डेवलपर रोल आप प्रोवाइड कर सकते हो अपनी कंपनी में। तो या दिस इज हाउ यू शुड अप्लाई। एंड विशाल, काफी जब हम स्टार्टअप्स में अप्लाई करते हैं, जैसे चाहे एंजल लिस्ट से चाहे वाई कॉम्बिनेटर से, तो हमारा कॉलेज और डिग्री और सीजीपीए ये सब कितना मैटर करता है? अगर मैं आपको सच बताऊं तो फॉर अ रिमोट डेवलपर और जब आप स्टार्टअप्स में अप्लाई करते हो तो आपकी डिग्रीज जो होती है वो बिल्कुल आई वुड से जीरो वैल्यू इन योर लाइक सिलेक्शन प्रोसीजर। आपको कोई डिग्री नहीं देखता, आइदर यू आर इन 12th, आइदर यू आर लाइक कॉलेज आप सीएस से हो या इलेक्ट्रिकल से हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, तो कॉलेज में मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ बट आई हैव गॉट लाइक 7 इंटर्नशिप, मैं 7 इंटर्नशिप कर चुका हूँ ठीक है इलेक्ट्रिकल से होकर भी। तो कोई आपकी डिग्री नहीं देखी जाती, कोई आपकी ब्रांच नहीं देखी जाती, कुछ नहीं देखा जाता अगर आप स्टार्टअप्स में अप्लाई करो। बट अगर आप कंपनीज में अप्लाई करते हो, एमएनसी में करते हो, तो जनरली जो एमएनसीज होती हैं वो आपकी बीटेक डिग्री मांगती हैं एंड वो सजेस्ट करती हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस। तो या अगर आपको स्टार्टअप में जाना है तो कोई डिग्री की वैल्यू नहीं होती है। एंड लास्ट क्वेश्चन विशाल, एनी एडवाइस टू व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस, जो कि आपकी तरह जॉब लेना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में? माई ओनली एडवाइस इज कि आपको इंटर्नशिप एंड जॉब्स के पीछे भागने की जगह अपने आप को स्किलफुल बनाना चाहिए, अपनी फ्रंट एंड डेवलपर स्किल्स जो अपनी डेवलपमेंट की स्किल्स है उस पर अच्छे से काम करो। बिकॉज आई सी लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में ही हैं, दे डोंट हैव देयर प्रोजेक्ट्स, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स भी नहीं बनाए, उन्होंने अच्छे से स्किल्स भी नहीं सीखे एंड दे आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप। अगर आप उस तरीके से इंटर्नशिप और जॉब्स के लिए भागोगे तो आपको बहुत ज्यादा इश्यू होगा ठीक है। बट अगर आप पहले कुछ टाइम एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ अगर आप अपने स्किल्स को ध्यान देते हो, देन अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। सर, थैंक यू विशाल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि व्यूअर्स को भी काफी इंस्पिरेशन मिली होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड फॉर व्यूअर्स, अगर आपके और कुछ भी डाउट हैं, आप विशाल को लिंक्डइन पे, इंस्टा पे रीच आउट कर सकते हो। एंड उनका यूट्यूब चैनल भी है जिस पे वो काफी वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, कंटेंट डालते रहते हैं। सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू इट एंड थैंक्स अगेन विशाल। आई होप आपको मजा आया होगा इस पॉडकास्ट में, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड मेक श्योर आप उनका यूट्यूब चैनल भी चेकआउट करो। एंड आपको और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप विशाल को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे डीएम कर सकते हो, ट्विटर पे कर सकते हो। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड कमेंट्स में बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।